पूरा प्रोग्रामेबल है ये, उनको लैपटॉप से आपको इनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे प्रोग्राम करना ही पड़ता है, उसी के बाद ये वर्क करती है। और ये बैफेंग वाली है ना, इनको कुछ नहीं करना, बस इनका जो चैनल सेलेक्ट किया, जिस चैनल को आपको मैसेज देना, जस्ट बटन दबाया और दूसरे वाली को चला गया। दोस्तों मेरे हाथ में है वॉकी टॉकी रेडियो ट्रांस रिसीवर। दो टाइप की वॉकी टॉकी है इस वीडियो में, दोनों के बारे में बात करेंगे। ये वाली है बैफेंग कंपनी की, जिसके दो सेट की कीमत है लगभग 2100-2200 रुपये। और दूसरा वाला है मेरे पास में इंडियन संचार का लाइसेंस फ्री वॉकी टॉकी, जो है एक पीस 9500 रुपये का, यानी कि दो पीस की कीमत 19000 रुपये है, विद लाइसेंस फ्री। लाइसेंस इसका साथ में आता है, इसको कोई कहीं पे यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये चाइना वाला है, 4 किलोमीटर रेंज में आता है, और ये दूसरा वाला जो 5000 किलोमीटर इसका नेटवर्क है, ये अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। ये सिम अनेबल्ड है, इसमें सिम डलता है, और ये सिम और ये विदाउट सिम काम करता है। दोनों के फीचर्स की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या दोनों के बेनिफिट्स है, कौन सी बेस्ट है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और सारे फंक्शन इनके इस वीडियो में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो पूरी देखें, और अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों इस वॉकी टॉकी पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, जिसका लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। ये है चाइना का बैफेंग कंपनी का, ये दो वॉकी टॉकी का सिस्टम विद चार्जर स्टैंड के आता है। ये हमारे को यूज़ करना इजी होता है, जस्ट इनको दोनों को पावर ऑन करना है, पावर ऑन कर या मैसेज देंगी, और इनके जो चैनल 16 इनके चैनल होते हैं, जिस चैनल पे ये सेलेक्ट की होती है दूसरी वाली का सेम चैनल होगा तो ही वो इसका सिग्नल पकड़ेगी। और इसकी मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर, और शहर के हिसाब से ये थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। एक का अगर हम ये पुश टू टॉक बटन दबाते हैं तो दूसरी वाली रिसीव करती है, और दूसरी वाली का दबाते हैं तो ये रिसीव करती है। एक टाइम पर एक ही आदमी बोल सकता है, और अगर सिग्नल दोनों का अटैच नहीं हुआ और अगर किसी ने मैसेज दे दिया, दूसरे वाले ने नहीं सुना, तो वो कहीं से हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। इसमें हम रिकवर कर सकते हैं, इसके फंक्शन अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो ये हैं दोस्तों, 4 किलोमीटर में आप क्विक किसी को अगर रिस्पॉन्स करना है तो ये वॉकी टॉकी आपके काम की हो सकती है। ये कॉस्ट भी इनकी बहुत कम है, 2100-2200 रुपये के लगभग है। इन पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, जिसके बारे में हमारे को लगता है कि और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अगर वो वीडियो देखनी है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन से वो वीडियो देख सकते हैं। इनके साथ में दो चार्जर आते हैं, ये पूरी वॉकी टॉकी इसका फंक्शन है, ये इसका पूरा फंक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन वॉकी टॉकी, संचार कंपनी की वॉकी टॉकी है। इनमें सेम उसी तरह से स्टैंड आता है, और इनके मिनी यूएसबी पोर्ट से ये चार्ज हो जाती है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, जीएसएम सिम डलती है, 4G सिम इनमें दोनों में डालनी पड़ती है। और ये जैसे दोनों में सिम है, और ये कंप्यूटर के थ्रू इनमें डाटा या इंफॉर्मेशन डाली जाती है, जिनसे ये दोनों आपस में दोनों ही वर्क करेंगे। इनका नेटवर्क कोई दूसरे वाला या तीसरे वाला कोई भी वॉकी टॉकी नहीं कैच करेगा, ये एंड टू एंड एनक्रिप्ट है। तो अगर आप ये बिल्कुल एक मोबाइल फ़ोन की ही तरह है, बस इसमें एक अगर कॉल कर रहा है या पुश टू टॉक बटन दबा के बात कर रहा है तो दूसरे वाले को फ़ोन उठाने की जरूरत नहीं है, रिंग इसमें नहीं जाएगी। उसी टाइम जैसे नेटवर्क के हिसाब में 2-3-4 सेकेंड लेट अगले अगले वाले को मैसेज बिना उठाए, बिना कॉल उठाए, अगले वाले को लाउड वॉल्यूम में मैसेज सुनाई देगा। तो
ये इनके दोनों के फंक्शन है। इनके मंथली रिचार्ज होते हैं मिनिमम से मिनिमम 150 रुपये पर मंथ इनके रिचार्ज होते हैं। जैसे कि हमने इन दोनों में एयरटेल का सिम डाल रखा है, तो हम इसको ऑन करके इसके फंक्शन आपको चेक करवाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर मैसेज टाइम पर नहीं डिलीवर हुआ, थोड़ी देर लेट हुआ, और अगर हम किसी कारण से अगर इनका मैसेज नहीं सुन पाए, तो ये मैसेज कुछ मैसेज स्टोर भी रखती है। और ये इसके फंक्शन, बैटरी का परसेंटेज भी ये बताती है। बैटरी इनकी लाइफ ठीक है, उसके मुकाबले थोड़ी कम है, वेफेंग के मुकाबले कुछ हद तक इनकी बैटरी कम चलती है, पर ठीक है। तो कॉस्ट इनकी दोस्तों उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बट फीचर इनके ज़्यादा है, यानी कि इनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। आप अगर किसी खास से 24 घंटे टच में रहना चाहते हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आगे वाला हमारा मैसेज सुने बिना कॉल उठाए सुने, या आप उसको परमानेंटली मैसेज देना चाहते हैं, तो आप ये सेट यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग रेंज में अब अगर आप किसी के साथ में टच रहना चाहते हैं, तो भी ये आप चुन सकते हैं। जब इसको ऑन करते हैं, तो ये कुछ टाइम कनेक्ट होने में लगती है। ऑन किया दोनों को मैंने, ये आपस में कनेक्ट होंगे, इनके मैसेज भी सुनाई देंगे क्या क्या बोल रही Welcome है। WCDMA Intercom System. Search network. ये सर्च नेटवर्क कर रही है, इसने WCDMA Search network. इंटरकॉम सिस्टम ये बता रहे हैं। ये दोनों सर्च नेटवर्क कर रही हैं, नेटवर्क सर्च कर रही हैं आपस में, टाइम लेंगी। कंप्यूटर से पूरी फंक्शनलाइज होती है, इनको POC reconnecting. इनके अंदर डाटा डालना पड़ता है, उसी नंबर पे ये इनका मैसेज जाएगा। अदरवाइज कोई भी वॉकी टॉकी इनका मैसेज रिसीव नहीं कर। Time ये bound. POC, wealth joy group network. अब दोनों के ग्रीन एलईडी पे ब्लिंक हो रहे हैं, जैसे इसका ऑफ हो गया, ब्लिंक होना बंद हो गया, तो इसने सिग्नल सिग्नल पकड़ लिया, और अभी इसने सिग्नल नहीं पकड़ा है, तो ये सिग्नल कैच करेगी, तो इसका भी ग्रीन लाइट जलना बंद हो जाएगा। POC reconnecting. मैसेज देखें आप कितना लाउडली डिलीवर कर रही है। Login timeout. POC reconnecting. एक कनेक्ट नहीं हुआ, दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। Timeout. Welcome POC. Join group Aspen. तो इसका ज्वाइन रूट एस्पिन जो मैसेज आया, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो चुकी हैं। जब मैं एक में अगर मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, तो बायफेंग वाली तो उसी टाइम डिलीवर करती है, सेम टाइम में दूसरी वाली को मैसेज डिलीवर करती है। इसमें थोड़ा सा 2-4 सेकंड का फर्क होता है। जैसे कि मैं इसमें बोल रहा हूँ, तो ये मैसेज कितनी, ये देखें आप, अगर मैं इसमें बोलूँगा तो ये कितनी देर बाद, नेटवर्क के कारण जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, इनके कारण मैसेज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो दूसरे वाली को अगर मैं मैसेज डिलीवर करूं, तो ये देखें आप, पूरा क्लियर मैसेज एक दूसरे का सुनाई दे रही है। जैसे मैं अगर एक में बोल रहा हूं, तो दूसरे वाले को उठाना करना ही पड़ेगा। नॉइज दोस्तों पास पास होने के कारण है, और इनके जो मैसेज हमने पहले दे दिए हैं किसी को, अगर वो हम सही तरीके से नहीं सुन पाए, तो इसके ऊपर एक छोटा सा रेड कलर का बटन है, ये इसको अगर मैं दोबारा दबाऊं, तो ये मैसेज हमारे को रिपीट करेगी। इससे हम जो हमारे छूटे हुए मैसेज हैं उनको हम दोबारा सुन सकते हैं। जैसे इसमें भी हैं, ये देखें आप, तो इनके जो मैसेज है, हम काफ़ी हद तक जो 10-12 मैसेज है या कॉल है पिछली वाली को, वो हम दोबारा वो मैसेज सुन सकते हैं। इनका नेटवर्क जहाँ तक आपका मोबाइल का नेटवर्क है, उतना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट इनके आपको बताया, ये थोड़ा ये कॉस्टली है, फ़ोन की लगभग मोबाइल फ़ोन की तरह ही काम करती है। बस इनका फ़र्क इतना है कि आपको आगे वाले का नंबर डायल नहीं करना, जस्ट आपको पुश टू टॉक बटन दबाना है, और अगले वाले को मैसेज सुनाई देगा आपका।
तो ये ऑप्शन है। आगे वाले कोई आपका कॉल नहीं निकालना, जैसे फोन में है तो फोन में सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में अगले वाले का नंबर निकालना पड़ेगा, नंबर डायल करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा अगले वाला कितनी देर में उठाएगा कितनी देर में नहीं उठाएगा। इसमें आप अपने जो कोई लव वंस है उनको सिर्फ उसी टाइम पुश टू टॉक बटन दबाकर आप उसको मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। ये दोस्तों इनके फंक्शन, इनको पूरा प्रोग्रामेबल है, ये उनको लैपटॉप से आपको इनके सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे प्रोग्राम करना ही पड़ता है, उसी के बाद ये वर्क करती है। और ये बैफेंग वाली है ना, इनको कुछ नहीं करना, बस इनका जो चैनल सेलेक्ट किया जिस चैनल को आपको मैसेज देना, जस्ट बटन दबाया और दूसरे वाली को चला गया, बस बात खत्म। और ये नेटवर्क, इनका नेटवर्क 4 से लेकर 3 2 किलोमीटर के बीच बीच में रह जाता है। कॉस्ट इनकी बहुत सस्ती है, ये थोड़ी महंगी है, और इनके फीचर्स आपको बता ही दिए। और जैसे कि ये बैटरी परसेंट भी अपना बोल कर बताती है, जैसे मैं बताऊं आपको, Battery 48%. इसने 48 बताया, और दूसरे वाली का भी इसने Battery 53%. 53% बताया। तो ये थे दोस्तों इन दोनों के फंक्शन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।